अरे निखिल एक बात बता, तू तो इस चंपा को पहले से जानता है, ये आदमी कैसा है? मतलब इसमें लड़कियों को क्या पसंद आता है, क्या अच्छा लगता है इसके बारे में? यार अभी अगर तू मुझे पूछे तो मुझे ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप लड़का लगता है यार, पर आजकल की लड़कियां ऐसे लड़के पसंद करते हैं। आई मीन इसलिए प्रज्ञा ने इसे चूज किया होगा। पर यार तू क्यों परेशान हो रहा है यार, तेरी तो शादी तनु के साथ हो रही है, दिस गाय सीम्स टू बी अ नाइस गाय, और अगर प्रज्ञा इससे खुश है तो प्रॉब्लम क्या है? अरे निखिल तू जो सोच रहा है और मैं जो सोच रहा हूँ वो थोड़ा अलग, वो अलग इसलिए क्योंकि वो खुद बहुत अलग है, और जो अलग होते हैं ना उनसे अलग अलग रहना ही अच्छा होता है। ये छोड़ना, तू नहीं समझेगा, तू जा, हम शाम को मिलते हैं। हाँ, that'll be fine. आज रात काम आसान होने वाला है, अभी घबराया हुआ है, कंफ्यूज्ड है, तो अब ये वही देखेगा जो हम उसे दिखाएंगे। अरे बच्चे दे दो ना, मुझे दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें शोभा नहीं देता। दादी ठीक कह रही, ये चंपा खुद को स्मार्ट समझता तो है पर है नहीं, जो बच्चों से परेशान हो रहा हो वो किसी और को क्या परेशान करेगा? तनु और निखिल को एक्सपोज करने के लिए इसका इस्तेमाल करना आसान होगा, वो भी आज ही रात को। आज की रात? कयामत की रात। दादी, दादी दी बिल्कुल ठीक कह रही थी। I'm sure तनु और निखिल ने कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया होगा, वरना बिना किसी रीजन के वो उस चंपक को इस घर में क्यों लेकर आएंगे? प्लान तो उन्होंने बनाया है, लेकिन प्लान को अंजाम कैसे देना है ये हमें नहीं पता। ये पता होता ना तो रोकने में आसानी होती पुत्र। फिर भी दादी मुझे तो अभी पे गुस्सा आ रहा है। उसको क्या जरूरत थी चंपक को इस घर में लाने की? अगर वो उस घर में रुकता ही ना तो उनका ना प्लान इतना स्ट्रॉन्ग होता ही ना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। ये तो मुझे पता नहीं, पर हमने जो कुछ भी करना है मिलके करना है। मैंने प्रज्ञा से वादा किया है कि उन्हीं का प्लान उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, बस तुम लोग होशियार रहना। दादी आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बट मुझे समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे, आप बताइए ना मुझे। एक मिनट, निखिल तो रात को आएगा ना, हम लोग तो यहाँ हैं। हम चंपक के साथ कुछ ऐसा करें कि उसको नाश्ते के लिए बाहर भेज दें, यानी घर से रफा दफा कर दें। अरे ऐसे दुश्मन निहत्था हो जाएगा। दादी अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब आप देखना उस चंपू को कैसे शैम्पू बनाता हूँ। ऐसा सबक सिखाऊंगा दादी की दी तो क्या, दुनिया में किसी भी लड़की के बारे में ना कभी ऐसा बुरा नहीं बोलेगा, और जिंदगी भर पछताएगा कि वो हमारे घर में आके रहा क्यों। सब तैयारी की नहीं है, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, बुला लो सबको। गाइस एवरीवन लंच इज रेडी, क्विकली कम डाउन बाय द टेबल। ऑलराइट अभी पूरब कैसा है यार? यार एक बात बता, हम सब तो आए गए पर वो तेरा स्पेशल गेस्ट कहाँ है जिससे मिलवाने वाला था, वो दिख नहीं रहा था। अरे वो घर देख रहा होगा, आता ही होगा, तो बैठ ना, सिट नेक्स्ट टू मी, बैठ बैठ। एक मिनट, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अरे क्यों नहीं बैठ सकता, चेयर में खटमल है या कोई कील निकली हुई है जो चुभ जाएगा? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं कुर्सी उठाकर बाहर ना फेंक देती। एग्जैक्टली, मैं चंपक जी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती, वो यहाँ बैठेंगे। कैसे बैठेंगे, इसका नाम लिखा हुआ है कुर्सी पे। अरे इतनी सारी कुर्सियां, कहीं पर भी बैठ जाएगा। कहीं पर तो कोई भी बैठ सकता, लेकिन चंपक जी स्पेशल है, और वास्तु के हिसाब से जो स्पेशल होता है ना वो ईस्ट फेसिंग कुर्सी पर ही बैठकर खाना खाता है। आप कहीं भी बैठे। चंपक जी आप बैठिए स्पेशल चेयर पे, आइए। क्या कर रहे तू, छोड़ ना, तो काम कर, तू कहीं और बैठ जा। इनफैक्ट काम कर, तू मेरे साथ बैठ, आजा, चल चल तुम साथ में बैठे, चल ना बैठ। यार इसके लिए मैं हर रोज जगह बदलता था, वो कभी नोटिस नहीं किया, ये चंपा को बड़ा नोटिस कर रही है। तू ठीक कह रहा,
यार एक बात बता, तू इसके लिए रोज जगह क्यों बदलता था? तू रोज अलग अलग जगह पे बैठता था? हाँ यार, ताकि खाते वक्त मुझे ये दिख जाए। यार अभी तू तो बड़ा कमाल का लवर निकला। वैसे ये तो अलग लेवल का लवर है यार। मैं तो इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था, लेकिन यहाँ पर इसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। अरे रॉबिन, सब आ गए, अब सबको खाना परोसो। एक को छोड़ के चंपक जी के लिए जो स्पेशल खाना बनाए वो लेकर आओ। रॉबिन, इसके लिए स्पेशल खाना बना। प्रज्ञा जी, आप कितनी अच्छी हैं। आपने मेरी इच्छा अनुसार खाना बनाया है, वो भी अपने हाथों से। आप पहली बार मेरे घर आए तो आपकी खुशी का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। आपको खुशी मिलेगी तभी तो मुझे खुशी मिलेगी। ये प्रज्ञा को क्या हो गया? ये चंपक के साथ इतना स्पेशल और इतना अच्छे से क्यों बिहेव कर रही है? तनु, ये क्या कर रही हो? खाना खुद खा रही हो या टेबल को खिला रही हो? सॉरी दादी। होता है बेटा, होता है। ध्यान कहीं और हो तो गलती हो ही जाती है ना बेटा। अरे ये देखिए, आपके लिए स्पेशली 4 किस्म के जूस। इसके लिए इतने तरह के जूसेस, पर हमारे लिए क्या? वही पनीर पसंदा, छोले और चावल का खीर। तुझे तो ये सारा खाना पसंद है ना? ये तो तेरा फेवरेट है। ये फेवरेट है नहीं, था। इतने सारे अच्छे अच्छे जूसेस आए, पता नहीं खाने में क्या आएगा। और ये सब्जियाँ। और ये बैंगन का भरता, बेक्ड भिंडी और करेले की सब्जी। मैं खुद अपने हाथों से परोसती। परंतु प्रज्ञा जी, मैं तो प्रज्ञा जी नहीं, आप मुझे प्रज्ञा जी नहीं कहेंगे। आपका इस घर में बड़ा होता है और कोई आपको दी और कोई आपको मैडम बोलता है तो मैं आपको प्रज्ञा जी ही बोलूंगा। कोई मुझे कुछ भी बुलाए, लेकिन आप मुझे जी नहीं कहेंगे, आप मुझे प्रज्ञा ही कहिए। मुझे अच्छा लगेगा। क्या कर यार, तू संभाल। यार आज तक इसने मुझे नहीं बोला कि मैं इसे किस नाम से बुलाऊं। इसके लिए प्रज्ञा, ये खाइए ना, इतने प्यार से बनाया मैंने। मुझे आज तक इतने प्यार से कभी चाय तक नहीं पिलाई। इसे खाना खिला रही है ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा हो। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। वो तो मुझे पता ही है, तो पेट भर के खाइए, खाइए। देख, इतना खराब खाना ना कोई अपने दुश्मन को बिना खिला पाए। क्या कर क्या रही है? मैं बोलता हूँ, ये आप क्या खाना खिला रही? इस खाने को देख के तो लग रहा है कि ये ना ही टेस्टी होगा और ना ही स्वादिष्ट होगा। आप तो कह रही थी कोई स्पेशल खाना है इसके लिए, तो आप ये सब क्यों खिला रही है इसको? इसमें क्या स्पेशल है? अरे पूरब, ये जो हमारे चंपक जी है ना, ये अपने हेल्थ के बारे में बहुत केयरफुल है, इसलिए ये खाने में स्वाद नहीं क्वालिटी ढूंढते हैं। क्यों चंपक जी? अरे आप खुद तो कुछ खा ही नहीं रहे, इसका मतलब मुझे अपने हाथों से आपको खिलाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ, मैं ये सब नहीं देख सकता यार। तू कहीं नहीं जा सकता, तू इधर बैठ और खाना खा। मुझे भूख नहीं है। तुझे भूख नहीं है, पर तुझे अपना कोई डिसीजन लेना। देख, अगर तुझे डिसीजन लेना है तो तुझे देखना पड़ेगा ना, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तू बैठ प्लीज यार, क्या क्या करना पड़ रहा है, तू बैठ। प्रज्ञा जी, मैं ये नहीं खा पाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं खाएंगे आप? मेरा पेट भर गया प्रज्ञा जी। पर नियत तो नहीं भरी। चलिए छोड़िए, ये खाना छोड़िए, आप जूस पी लीजिए। हाँ वो दे दीजिए। ये आपके लिए स्पेशल बनाया है, करेला मिर्ची कलकत्ते का घिया और मेथी का स्पेशल जूस। ठीक, क्या बात कर रहे हो, आपने इतने सारे जूस स्पेशली इस चंपक के लिए बनवाए? हाँ और नहीं तो क्या पूरब, देखो अपने जबान के लिए मीठा खाना तो हर कोई खा सकता है, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए कड़वा खाना बहुत कम लोग खा पाते हैं। और जो ऐसा खाना खा सकते हैं ना, वो ही अलग खाते हैं। क्यों चंपक जी, कड़वा बोलते नहीं, सिर्फ कड़वा खाते हैं। लीजिए चंपक, पीजिए, सेहत खराब हो रही है आपको। यार ये तो इस पे अपना हक भी जता रही है। ये लोग तो चंपक की जान ही ले लेंगे आज, और अगर इससे कुछ हो गया तो हमारा पूरा प्लान का क्या होगा? तो चंपू कुछ कर। मजा आ गया, ये चंपू, ये आशिक आवारा,
अब पगला दीवाना बन जाएगा। कितने प्यार से इसे पिला रही, शर्म मैं भी टेस्ट करके देख लूं कि कितने प्यार से बना है। क्या कर रहे? वो मैं टेस्ट कर रहा था। आप क्यों टेस्ट कर रहे थे? आपके लिए वो सारा खाना ना, ये स्पेशली चंपक जी के लिए बना। रॉबिन, इधर आओ। एक काम करो, जल्दी किचन में जाके पानी ला। ये दूसरा जूस पी लीजिए, इसमें है करेला जिससे आपके हाजमे को मदद मिलेगी, और नीम आपके ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। इसके हेल्थ का इतना ख्याल रख रही है, मेरे हेल्थ की परवाह तक नहीं। मुझे खिलाने के लिए काजू कटली, ये कोई खाने वाली चीज है? तू ही तो कहता था यार कि तुझे ये सब पसंद। मैंने कहा ना, ये सब पसंद हुआ करता था, ये सब देखने के बाद कुछ पसंद नहीं है। रिलैक्स, रिलैक्स। तो आप ऐसा कीजिए कि उबली हुई सब्जियां खाइए, ये तो बहुत ही टेस्टी है। उबली हुई सब्जियों में ना अलग ही टेस्ट होता है, ये लीजिए। अरे क्या खुशबू है। अच्छा ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप ये अलग जूस पीजिए। ये जूस ना आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये ना अदरक और लहसुन का काढ़ा। पी लीजिए, पी लीजिए। आ बस, अब यही देखना बाकी रह गया था। बस अब बहुत हो गया। I can't see this anymore. यार पूरा, मैं अब और देख नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे खाने से उठ कर नहीं जाते चंपक जी। रॉबिन, मेरे कमरे में जो है ले आओ, मेरे रूम में ले आओ सब कुछ। चंपक जी बैठिए। पानी, पानी, पानी क्या पियेंगे आप? जो बनाया वो पीजिए आपके लिए। पानी जी, इतने प्यार से मैंने आपके लिए जूस बनाया, आपको ये पीना पड़ेगा। अरे नहीं अबिन, इन्हें बाथरूम लेकर जाओ और बताओ कि यहाँ डाइनिंग टेबल पे वॉमिट करना बिल्कुल अलाउड नहीं। आइए सर, मैं आपको वॉमिट करने के सबसे परफेक्ट जगह बताता हूँ। अरे दादी, आपने पराठे नहीं लिए? वाह वाह प्रज्ञा, बहुत सही किया। अरे इतनी खातिरदारी और ऐसी खातिरदारी अगर सालों पहले हुई होती ना, तो अंग्रेज भी हिंदुस्तान छोड़ के चले जाते। ये चंपू क्या चीज है, बस भागा के भागा। यही तो मैं चाहती हूँ दादी, इसे इतना परेशान करो कि यहाँ से खुद भाग जाए। ये तो बस शुरुआत है दादी, आप आगे आगे देखिए कितनी खातिरदारी होती है इस जमाई राजा की। ये करेले का जूस मंगवा तो लिया, पर अब इसे पीऊं कैसे? एक काम करता हूं, एक घूंट में पी जाता हूं। यार ये सूंघने में इतना कड़वा है, पीने में कैसा होगा? पर पीना तो पड़ेगा ही ना, नहीं पिया तो उस चंपक की चंपाकली के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी कि मैं कड़वी चीजें नहीं पी सकता। कम ऑन अभी, यू कैन डू इट, ड्रिंक इट, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन अभी। क्या कर रहे हो तुम? वो करेले और नीम का जूस पी रहा हूँ। जब पर तुम्हें तो कड़वी चीजें पसंद है ना, फिर कैसे पी रहे हो? अरे तुमने सुना नहीं प्रज्ञा ने कहा कि ये सब पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसे पीने से ब्लड प्यूरिफाई होता है, साफ हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, और तो और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। अच्छा, इससे पहले तो अपनी सेहत का कभी इतना ख्याल नहीं रखा, आज उस प्रज्ञा ने कह दिया तो। नहीं नहीं, प्रज्ञा के कहने पर थोड़ी कर रहा हूँ, वो इतना सारा जूस बच गया था तो मैं सोचा वेस्ट होने से अच्छा है कि मैं पी जाता हूँ ना, इसलिए पी रहा हूँ। कम ऑन अभी, यू कैन डू इट, यू विल डू इट, यू हैव टू डू इट, यस डू इट। ये तो जहर से भी ज्यादा कड़वा है, वो चंपक इसे कैसे पी गया? वो प्रज्ञा ने अपने हाथों से पिलाया था ना, इसलिए जहर से भी कड़वा जूस उसे शहद जैसे लगा होगा। अभी उस प्रज्ञा से इतना प्यार करता है कि जो चीज इसे बिल्कुल पसंद नहीं है वो भी पी रहा है। वो प्रज्ञा उस चंपक को टॉर्चर करने के लिए पिला रही थी,
और ये अभी उस चंपक को डाउन करने के लिए ये सब कुछ पी रहा है। गॉड, इस चंपक को यहाँ बुला के कोई गलती तो नहीं कर दी? अभी कुछ दिन अगर ऐसे ही उस चंपक से जलता रहा तो कहीं गुस्से में कोई गलत स्टेप ना उठा ले। अब तो कुछ भी हो जाए, हमें आज रात ही अपना प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। और एक बार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए फिर अभी के दिल में जलसी नहीं सिर्फ नफरत होगी, वो भी प्रज्ञा के लिए। इतना गंदा जोश, किसी मुर्दे को बुला तो मुर्दा भी खड़ा हो जाएगा। अब कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा चंपू चंपा की इस कड़वापन से कोस सह सकता है? मैं भी कड़वापन सह सकता हूँ, तुझसे ज्यादा सह सकता हूँ। अंदर बिना रिश्ता दूसरा। आप क्यों, आपको क्यों सह रहे हैं? क्या सह रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारे प्रोफेसर की बात करो, हिंदी प्रोफेसर की। तुम्हें लगता है वही कड़वापन सह सकता है? सब कड़वा पानी का है, पानी किचन में किचन चली चिन चिन। अरे पानी पानी पानी, अरे इसको देओ ना कुछ मिर्ची। नहीं नहीं, पानी चाहिए पानी। नहीं ये लीजिए थोड़ा चीनी खाइए। चीनी नहीं पानी चाहिए। अभी मिठाई। अरे मैं खाओ ना मिठाई, नहीं पानी चाहिए। बस बस सब ठीक है। अब बताइए ये सब चल क्या रहा है? क्या लगा तुम्हें कि तुम्हारा वो चाचा चंपू ही सिर्फ ये कड़वी चीजें पी सकता है? अरे मैं भी कड़वी चीजें पी सकता हूँ और उससे ज्यादा पी सकता हूँ और ज्यादा पिया है मैंने। आपने करेले का जूस पिया? करेले का नहीं, नीम का भी पिया है, वो भी दो दो शॉट। और सिर्फ इसलिए क्योंकि चंपक जी ने पिया? और नहीं तो क्या, अगर वो मिर्च का जूस पी जाएगा ना तो मैं देगी मिर्च का जूस पी जाऊंगा, समझी? पुत्र देगी मिर्च मीठी होती है और कश्मीरी मिर्च तीखी होती है। ठीक है ना दादी, तो मैं कश्मीर जाके कश्मीरी मिर्च का जूस पी जाऊंगा, अभी काली मिर्च का तड़का लगा के दुनिया की सारी मिर्चियों का जूस पी जाऊंगा मैं, समझी? एंड यू जाकर बोल देना अपने तेलुराम से। तेलुराम? तुम्हारा वो चाचा चंपू, कि अगर उसे मेरे साथ कम्पीट करना है ना तो कभी भी कहीं पर भी आकर मेरे साथ कम्पीट करना। ऑलराइट? ठीक है। देखा तो नहीं, तेरे जूस पिलाया चंपू को और असर हो गया, अभी भी मजा आ गया। रात को निखिल और तनु जो कुछ भी करे कुछ नहीं होने वाला, अभी तुझे प्यार करता ही रहेगा। चले थे मेरी प्रज्ञा को बदनाम करने, खुद का नाम खराब हो जाएगा और असलियत सामने आ जाएगी। निखिल और सुन, तू जरा होशियारी से काम लेना, कुछ भी कर सकती है, तुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए, बस इतना ध्यान रखना। जब भी देखे ये तेरे कमरे के आसपास ये मक्खी की तरह मंडरा रही है, तो समझ लेना इसके खराबाती दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है। चिंता मत कीजिए दादी, जब से मैंने चंपक के सामने इनका रिएक्शन देखा है ना, मैं और कॉन्फिडेंट हो गया। अब ये तनु और निखिल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये गलत हो रहा है और जो हो रहा है वो सब उस निखिल को पता होना चाहिए, वरना बाद में मुझे बोलेगा कि मैंने उसे अपडेट नहीं किया और पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अरे यार, गलत लोगों का गलत टाइम पे फोन। थैंक यू सो मच यार। हाँ बोलो। मैं क्या बोलूं, उस प्रज्ञा ने मुझे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। ये क्या किया उस? क्या क्या नहीं किया वो पता नहीं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। वो ऐसा करती क्या, ऐसा क्या जादू चलाती थी अभी उसके पीछे भागने लगता है? कल तक उसकी कमियां निकाल रहा था और आज उसी को इंप्रेस करने में लगा हुआ है। तुम सीधे सीधे बताओगी किया क्या उसने? क्या नहीं किया? एक तो उस चंपक को प्रज्ञा ने टॉर्चर करके रखा हुआ है। मुझे तो डर लगता है कि चंपक कहीं सबको छोड़ छाड़ के भाग न जाए। टॉर्चर कर रही है? हाँ, लंच में उसे इतनी कड़वी कड़वी सब्जियां खिलाई, इतने कड़वे जूसेस पिलाए, अदरक के, पालक के, मेथी के, करेले के, मिर्ची के, पता नहीं कौन से। उसकी बेचारे की हालत खराब हो गई, मुझे डर लग रहा है ये सब कुछ देख के वो भाग न जाए। और ऊपर से अभी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो चंपक से बेटर है। निखिल,
कहीं हमने चंपक को यहाँ पे बुला के गलती तो नहीं की ना? Shut up, Tanu, और for heaven's sake, तुम कुछ मत बोलो। प्रज्ञा को जो भी करना है उसे करने दो, तुम उसकी टेंशन मत लो। उसे करेले का जूस पिलाना है पिलाने दो, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? उसे पत्थर देना है पत्थर पिलाने दो। तुम सिर्फ तुम्हें जो कहा गया है उस पर फोकस करो। इज दैट करेक्ट? इज दैट क्लियर विद यू? ऐसी छोटी मोटी जीत जो है ना, अगर प्रज्ञा को उसे खुशी मिल रही है, लेट हर एंजॉय। मैंने तुम्हें क्या कहा था? वो चीज उसे पिलानी है, उस पर फोकस करो तनु, फॉर हेवन सेक। एक बार वो चीज तुमने प्रज्ञा को दी और उसके बाद उस चंपू ने उसे हाथ तक लगाया ना, बस उसके बाद प्रज्ञा खुद टूट पड़ेगी उस पर। और फिर क्या है? अभी एक बार अगर उसे एक साथ देख ले, फिर तुम ही सोचो तनु क्या होगा। तुम सोच सकती हो ना? शाम को आ रहा हूं वहां पर, तब तक सिर्फ वो ड्रिंक पिला देना उसको, ओके? निखिल, तुम मेरी पूरी बात सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। तनु, मुझे मुझे बहुत काम पड़ा है, प्लीज डोंट बॉदर मी, इतना करो मेरे लिए प्लीज, ओके? मैं रख रहा हूँ। अरे सुनो तो सही, हेलो, इडियट, इसने तो बताया ही नहीं कि वो प्रज्ञा को चीज कैसे पिलाऊं, मतलब अब ये भी मुझे ही सोचना पड़ेगा। अब मिलेगा प्रज्ञा को नहले पे दहला, बहुत पतिव्रता बनती है, अब देख मैं आज तुझे क्या से क्या बनाऊंगा। ऐसा चीर हरण होगा कि भगवान कृष्ण भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे।